फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वो है स्टूडियो मास्टर DJX 725, जो एक 3 चैनल का मिक्सर है। ये मिक्सर काफ़ी पुराने टाइम से प्रचलित है, काफ़ी लोग इसको यूज भी करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एक और न्यू वीडियोज में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टूडियो मास्टर के मिक्सर का, इसका फुल रिव्यू, इसका प्रॉपरली यूज़ कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सेटिंग्स है। इस मिक्सर का मैं 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा कि ये मिक्सर चलने में कैसा है। हालांकि अभी स्टूडियो मास्टर के इसके मॉडल के और मिक्सर भी मार्केट में आ चुके हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा स्टूडियो मास्टर प्रोफेशनल DJX 825, इसका मॉडल है, जो एक 3 चैनल का मिक्सर है। इस मिक्सर के अंदर फ्रेंड्स काफ़ी ऐसे फीचर्स है, काफ़ी अच्छे हैं। प्रोफेशनल मिक्सर है ये, जो आप DJ के लिए यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर एक हमें माइक मिल जाता है। अब बात करें यहाँ पर चैनल की, तो इसका यहाँ पर चैनल एक मिल जाता है, यहाँ इसका फेडर। ये हमारे इसके अंदर वॉल्यूम इक्वलाइजर मिल जाते हैं, जिसके अंदर लो फ्रिक्वेंसी, मिड फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी और यहाँ पर गेन मिल जाता है। और इस बटन से आप इस मिक्सर को लाइन और फोनो के लिए यूज़ कर सकते हो। फिर फ्रेंड्स, ये हमारा इस मिक्सर का क्रॉस फेडर हो गया। यहाँ पर चैनल 2 की बात करें, तो इसके अंदर भी सेम प्रोसेस है, यहाँ पर लो फ्रिक्वेंसी, मिड फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी और गेन मिल जाता है। और चैनल 3 का ये भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पर फ्रेंड्स क्लू का इंडिकेटर देख सकते हो आप, और इस तरह इसके मिल जाते हैं कंट्रोल्स। यहाँ पर क्लू मिक्स मिल जाता है, क्लू वॉल्यूम, मास्टर मिल जाता है और बूथ मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हो इसका लेवल इंडिकेटर दोनों तरफ, और यहाँ पर पावर का इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है इस मिक्सर के फ्रंट पैनल से। और उधर बात करें माइक की, तो यहाँ पर ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है, और यहाँ पर आपको इसके लेवल मिल जाते हैं, मेन वॉल्यूम और लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी मिल जाती है आपको माइक के अंदर। यहाँ पर क्रॉस फेडर की बात करें, तो यहाँ पर एक चैनल 1 काम करेगा और यहाँ पर चैनल इसका 3 काम करेगा, वो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रॉस फेडर चैनल 1 और चैनल 3 के लिए। तो ये फ्रेंड्स मिक्सर का होगा फ्रंट पैनल। अब बात कर रहे हैं इसके कनेक्शन और सेटिंग्स की, कि यहाँ पर हम इस मिक्सर का कनेक्शन कैसे कर सकते हैं, कितने आउटपुट ले सकते हैं और इनपुट कैसे दे सकते हैं। पर फ्रेंड्स, इसके कनेक्शन की बात करें, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है इसका मेन पावर का ऑन ऑफ का स्विच, यहाँ पर मेन AC सप्लाई यहाँ पर देख सकते हो, और उसके नीचे यहाँ पर आपको मिल जाता है एक फ्यूज़ का ऑप्शन इसके अंदर, और यहाँ पर इसका बैलेंसिंग आपको साउंड मिल जाता है XLR के रूप में, तो काफ़ी अच्छा बात है। यहाँ पर लेफ्ट राइट दोनों मिल जाते हैं। उसके साथ यहाँ पर आप RC को भी ले सकते हो मेन मास्टर के रूप में, यहाँ पर ये इसका इनपुट आउटपुट मिल जाता है इसके अंदर, और ये है इसका रिकॉर्ड का। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेक्शन हो गया आउटपुट के अंदर। यहाँ से आप कोई रिकॉर्डिंग कर लेना चाहते हो डिवाइस, तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर इनपुट की बात करें, तो यहाँ पर 3 चैनल आपको देखने को मिल जाता है। चौथा यहाँ पर ये इसका माइक मिल जाता है। इनपुट की बात करें, तो यहाँ पर RC के लिए अंदर ले सकते हो, ये चैनल 3 हो गया हमारा, जिसके अंदर लाइन फोन दोनों, और चैनल 2 है ये हमारा, जिसके अंदर आप लाइन ले सकते हो केवल, और ये हमारा चैनल 1, जिसके अंदर ये हमारा लाइन ये फोनो ले सकते हो। इन दोनों के सेटिंग्स का ऑप्शन 1 ही यहाँ दे रखा है यहाँ से, और उसके अलावा एक ये बटन भी हमें सेटिंग का मिल जाता है लाइन और फोनो के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हो गए इसके फ्रंट सेटिंग। अगर फ्रेंड्स आप एक 3 चैनल मिक्सर को प्रॉपरली यूज़ करना जानते हो, तो फ्रेंड्स आप इनमें से कोई भी चैनल यूज़ करके कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स आप 3 चैनल या किसी भी मिक्सर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, या मिक्सर चलाना बिल्कुल नहीं आता है, तो फ्रेंड्स आप इस 3 चैनल मिक्सर को लाइन 2 से लेकर आप आसानी से चला सकते हो। इसका साइड व्यू ऐसे मिल जाता है, और उसके अलावा फ्रेंड्स इसका बैक व्यू कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इसका आप हेडफोन का यूज़ कर सकते हो, जिसके मेन वॉल्यूम है वो यहाँ पर आपको क्लू के थ्रू मिल जाएगी। और ये हमारा हो गया 3rd पैनल, यहाँ से आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा मिक्सर
आप हेडफोन की वॉल्यूम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। उसके अलावा चैनल से यहाँ से आप इसका इनपुट हेडफोन्स के लिए आप क्लू का ले सकते हो। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा मिक्सर। तो फ्रेंड्स ये है हमारा मिक्सर और हो गई इसकी सेटिंग्स की बात। तो अब फ्रेंड्स बात करते हैं हमारे इस मिक्सर के साथ निकले 3 साल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बात करें इस मिक्सर की तो चलने में काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आउटपुट के मुकाबले ऑपरेटिंग को देखते हुए काफ़ी इजी है इसकी ऑपरेटिंग। ज़्यादा कुछ सेटिंग्स हमें करनी नहीं होती है। आउटपुट भी काफ़ी अच्छा, XLR ले सकते हो और उसके अलावा यहाँ RCA के अंदर भी ले सकते हो, काफ़ी अच्छा है। डिजिटल मिक्सर को देखते हुए कमी ये रहती है इसके अंदर ब्लूटूथ की। भी मैंने फ्रेंड्स वीडियो में बता दिया कि किसी मिक्सर के अंदर ब्लूटूथ हम कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इस मिक्सर के अंदर मैंने ब्लूटूथ लगा दिया है। अगर फ्रेंड्स आपके पास भी ऐसा मिक्सर है और आप उस मिक्सर के अंदर ब्लूटूथ लगाना चाहते हो तो फ्रेंड्स मैंने वीडियो पहले ही दे रखा है, वो देख सकते हैं। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में।